हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जो है महिंद्रा थार की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और ये गाइस फुली होममेड है, ये मैंने जो है घर पर बनाई है। और कैसे बनाई है वो आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। गाड़ी का एक बार आप साइड बाई साइड लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का गाड़ी का लुक है। और ये गाड़ी फुली होममेड है, ये सब मैंने जो है इसका हाथ से बनाया है। ये ऊपर का जो आप देख रहे हो ये पहले से बना हुआ था, बाकी नीचे का पूरा सिस्टम मैंने हाथ से बनाया है। ये कुछ इस तरीके का इसका नीचे का सिस्टम है, ये पूरा इधर उधर मोड़ने का सिस्टम है, ये भी सब होममेड है। बाकी इसके टायर वगैरह भी जो है ये मैंने हाथ से बनाया है घर पर। ये PVC पाइप है और ये रबड़ मटेरियल है, ठीक है। बाकी इसके ग्रिप वगैरह भी सब हमने हाथ से दिए हैं। और गाड़ी किस तरीके से चलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी हमने सामने की साइड में इसके अंदर दो हेडलाइट लगाए हैं, बाकी दो इंडिकेटर है, फॉग लैम्प है, बाकी ये सामने की जाली है, ठीक है। कुछ इस तरीके से गाड़ी का लुक है। और पीछे की साइड में एक एक्स्ट्रा टायर लगाया है, ये टोचन है, ठीक है। बाकी तो अभी आप गाड़ी का साइड बाई साइड लुक देखो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आने वाला है गाड़ी का लुक। और ये सारी चीज़ें घर पर बनाई हुई है, ये जो आप देख रहे हो कांच जैसा ये जो बनाया हमने, इस तरह की जो सीट होती है उससे बनाया गया है, ठीक है। सामने की साइड में भी ये एक्सरे की सीट लगी हुई है। गाइस एक बार आप गाड़ी का साइड बाय साइड लुक देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये देख सकते हैं आप सामने की साइड में हमने मेटल गियर की सर्वो मोटर लगाई है। और ये मैंने कहाँ से बुलाई, इसकी भी बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पीछे की साइड में हाई स्पीड मोटर लगाई है, और ये भी मैंने अमेजोन से परचेस करी है, बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी बहुत सारी चीज़ें, ये अंदर की साइड में वायर वगैरह जो है सब लाइटिंग की सिस्टम है। और ये पिन दी हुई यहाँ पे, मेल फीमेल वाली जो कनेक्टर पिन होती है वो लगाई हमने शॉर्टकट में, इसको रिमोट से कनेक्ट करने के लिए हमने ये वाली पिन लगाई है मेल फीमेल। और ये था गाइस महिंद्रा थार का रिमोट, 4x2 है, 4x4 नहीं है, ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। और ये था इसका रिमोट, ये आगे और पीछे का है, ये लेफ्ट ये एंड राइट का है, ठीक है। ये नीचे की साइड में इसके अंदर बैटरी लगेगी। तो गाइस मैं अब आपको इसको कनेक्ट करके बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से ये कनेक्ट होती है, कुछ इस तरीके से जो है हमने इसको जो है कनेक्ट कर दी है, ठीक है। ये कनेक्ट हो चुकी है, मैं आपको इसको चला के बता देता हूँ। और गाइस अभी हमने इसके अंदर रिमोट वाला सिस्टम लगाया है जो कि अभी वायर से कनेक्ट है, अभी हम इसको जो है रिमोट कंट्रोल भी बना देंगे। अभी नॉर्मल वाला रिमोट है, ये है इसकी बैटरी जो कि हमने लिथियम-आयन सेल से बनाई है। कर देते हैं इसको जल्दी से इसके अंदर कनेक्ट। तो गाइस कुछ इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, और ये देख सकते हैं आप ये लाइट लेफ्ट कुछ इस तरीके से ये काम करती है। यहाँ पे हमने इसके अंदर मेटल गियर की सर्वो मोटर लगाई है, ये देख सकते हैं आप अंदर की साइड में हमने मेटल गियर की सर्वो मोटर लगाई है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करती है, ठीक है। और पीछे की साइड में इसके अंदर हमने मेटल की गियर लगाई है, और दो मोटर लगाई है जो कि हाई स्पीड है। ये वाले बटन से आगे पीछे होती है, ठीक है। मैं अभी आपको इसको चला के बता देता हूँ। और ये सब पूरा काम जो है हमने घर पे करा है, इसके अंदर मेटल की गियर लगाई है, बाकी ये सब चीज़ें हमने घर पे बनाई है। आगे का पूरा सिस्टम हमने घर पे बनाया है जो कि ये है, और ये जो आप देख रहे हो ये जो लकड़ी की जो सीट होती है उससे पूरा बनाया हमने, ये पूरा घर पे बनाया है। ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से राइट लेफ्ट होती है हमारी गाड़ी, और ये पूरी होममेड है। मैं आपको इसको चला के बता देता हूँ, कुछ इस तरीके से चल रही है हमारी महिंद्रा थार। एक मिनट रुक जाओ। तो गाइस हमारी गाड़ी का जो है टायर निकल चुका है, और शायद इसका नट गिर गया है मुझे ऐसा लगता है, तो मैं आपको इसको एक बार नट लगा के भी चला के बताता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, और फिर एकदम से जो है गाड़ी का टायर निकल के गिर गया है वहाँ पे, ठीक है। तो गाइस मैंने फिर से गाड़ी का टायर बिठा दिया है, चलाओ।
तो गाइस मैंने ऊपर की बॉडी को जो है अभी निकाल लिया है, ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से जो है निकल जाती है ये, और इस एक नीचे के एक्सल पूरे सिस्टम को जो मैंने अलग कर दिया है इसको भी मैं आपको चला के बता देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके का एक्सल का लुक है और कुछ इस तरीके की ऊपर की बॉडी का लुक है। इसको हम रखते हैं अभी साइड से, यहाँ पर रख देता हूँ मैं इसको और चला के बताते हैं हम इसको ही, सिर्फ सिंगल एक्सल को चलाओ। ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से हमारा जो है एक्सल काम करता है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी। चलाओ इधर वापस पीछे लो, एक मिनट रुक जाओ। तो गाइस फिर से जो है गाड़ी का टायर निकल गया है, तो गाइस अभी आपने देखा कि जो है ये आज ये थी हमारी लोकेशन और ये लोकेशन पे जो है हमने इसको चलाया है। और गाइस ये होममेड है तो बहुत बड़ी बात है गाइस, इतनी पावरफुल जो है हमने बनाई है इसको, और इसके अंदर हमने दो हाई स्पीड की मोटर लगाई है, मेटल की गियर लगाई है। किस तरीके से मैंने बनाई है वो आपको फुल डिटेल में वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, और वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा दोनों की। और गाइस टायर मैंने अलग से बनाए थे, टायर का वीडियो भी मैंने अलग से अपलोड करा है, वो भी आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा, वीडियो की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस लाइट मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस तरीके से चलते हैं, ये देख सकते हैं अभी लाइट चालू हो चुका है, सामने के दो लाइट हेडलाइट चालू हो चुके हैं और ये सामने के इंडिकेटर लाइट चालू हुए हैं। आप अभी धूप ज़्यादा है तो आपको थोड़ा शायद पता नहीं चल रहा होगा। ओके गाइस तो इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। गाइस जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई है, जैसे कि मैंने डीसी मोटर, सर्वो मोटर, बाकी जो जितने भी इसके अंदर जो मैंने सिस्टम वगैरह जो भी चीज़ें इसके अंदर लगाई है उन सब की बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसको मैंने कैसे बनाया वो भी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, और वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। ओके गाइस तो इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।